ऑफिस लुकबुक। ऑफिस मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, जिसमें मैंने ग्रो किया, हर तरह से पर्सनालिटी को ग्रूम किया। आई रियली मिस ऑफिस डेज। उस वक्त जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता था कि मैंने अपने टाइम और अपने ब्रेन को पूरी तरह से यूटिलाइज किया है, उसकी बात ही कुछ अलग थी। ऑफिस में मेरे कपड़े साधारण ही होते थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्टर होता था कि सब लोगों को मेरे कपड़े बहुत पसंद आते थे, मेरी चॉइस बहुत पसंद आती थी। मैं ऑफिस के माहौल के हिसाब से ही अपने कपड़े सिलेक्ट करती थी और अपनी एज के हिसाब से भी। मैं एक डिज़ाइनर रही हूँ तो मेरी यही कोशिश होती थी कि ये हर जगह रिफ्लेक्ट हो। मैंने कुछ ऑफिस आउटफिट्स क्यूरेट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सभी आउटफिट समर अप्रोप्रिएट हैं। वाइट चिकनकारी कुर्ता विद वाइट चिकनकारी क्रॉप पैंट्स। आई लव दिस ऑल वाइट लुक विद मल्टी कलर जूती। इस आउटफिट के साथ टैन कलर के लोफर भी अच्छे लगेंगे या फिर टैन कलर की जूती भी अच्छी लगेगी, जो कि मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने इस मल्टी कलर जूती के साथ इसको पहना है और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये जूती काफ़ी अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत कंफर्टेबल भी है। इसको मैंने मीशो से 200-300 रुपए में ख़रीदा था और इसको इतना यूज़ कर लिया, इसके बावजूद भी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कानों में मैंने सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड झुमके पहने हैं जो कि बहुत ही लाइट वेट हैं और इनको सारे दिन पहने रहो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ टैन टोट बैग भी बहुत अच्छा लगता है, आपका लुक पुट टुगेदर लगने लगता है। इस आउटफिट को ऑफिस में भी पहन सकते हैं और अगर आपकी कोई फॉर्मल मीटिंग है तो उसमें भी आराम से पहन सकते हैं। मुझे वॉच पहनना भी बहुत पसंद है। मेरी ये वाइट पट्टे वाली वॉच काफ़ी पुरानी है, ये फास्ट ट्रैक की है और कम्फर्टेबल भी है। वाइट चिकनकारी कुर्ता विद इंडिगो फ्लेयर्ड प्लाजोज एंड इंडिगो स्टोल। दूसरे आउटफिट के लिए मैंने वाइट चिकनकारी कुर्ता तो सेम रखा, लेकिन इसके बॉटम में मैंने इंडिगो फ्लेयर्ड प्लाजोज को पहना। ये कॉम्बिनेशन तो एकदम क्लासिक है। ये कुर्ता मैंने लखनऊ से ख़रीदा था और ये प्लाजो मैंने अहमदाबाद से ख़रीदा था। उस वक्त सोचा नहीं था कि किसके साथ क्या पहनूंगी, दोनों अलग अलग टाइम में ख़रीदा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा तो मैच कर ही लूँगी। इसके साथ मैं ये वाले झुमके पहनना चाहती थी, लेकिन ये झुमके काफ़ी बड़े थे ऑफिस के हिसाब से और काफ़ी हैवी भी थे, इनको सारे दिन नहीं पहना जा सकता है, इसलिए मैंने छोटे वाले ऑक्सीडाइज झुमके पहनना पसंद किया जो कि लाइट वेट हैं। वाइट घड़ी भी पहन ली एज़ यूज़ुअल और इसके साथ भी ये मैच कर रही है, तो क्या करूँ मैं, सबके साथ ही मैच कर जाती है मोस्टली ये घड़ी। इस इंडिगो प्लाजो के साथ मैंने इंडिगो स्टोल भी ख़रीदा था। चाहें तो बिना स्टोल के भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर स्टोल के साथ पहनते हैं तो ये और भी ज़्यादा उठ के आता है आउटफिट और बहुत ज़्यादा क्लासी और सोबर लगने लगता है। जूती मैंने सेम ही रखी क्योंकि मेरे पास एक ही है, लेकिन अब मैं क्लियर हूँ कि मुझे एक टैन कलर की जूती और ख़रीदनी है। मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, लेकिन वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी, वो थोड़ी स्टिफ थी, इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब बैग की बारी आती है। इस टैन टोट बैग को मैंने बहुत यूज़ किया है। एक तो ये काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ जाता है और ये हर आउटफिट के साथ मैच हो जाता है। ये पूरा आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भर देता था। ग्रे चिकनकारी कुर्ता एंड क्रॉप्ड वाइट चिकनकारी पैंट्स। क्रॉप्ड पैंट्स तो वही हैं जो मैंने पहले वाले लुक में पहनी थी। इसके साथ किसी भी कलर का चिकनकारी का कुर्ता आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। मैंने ग्रे कलर का कुर्ता लिया है। ये सब आउटफिट्स ऐसे हैं कि बिना सोचे समझे कभी भी पहने जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे ही लगने वाले हैं। अभी मैं ये भी क्लियर हो गई हूँ कि मुझे एक बेबी पिंक कलर का चिकनकारी का कुर्ता भी ख़रीदना है, जो कि जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं मिला, इसलिए अभी तक नहीं ले पाई हूँ। ये क्रॉप्ड पैंट्स भी काफ़ी सारे कुर्तों के साथ मैच हो जाता है। ये जूती, इयररिंग एंड वॉच भी काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ चल जाती है। टोट भी वही चल जाएगा, इसमें अभी भी सामान भरा हुआ है जिसकी वजह से ये फूला हुआ दिख रहा है,
और आपको भी पता चलेगा कि फूला हुआ बैग टांगने पर कैसा दिखता है। फोर्थ आउटफिट इज रेड शिबोरी एंड वाइट चिकनकारी क्रॉप पैंट्स। फोर्थ आउटफिट के लिए मैंने रेड एंड वाइट टाई एंड डाई का शिबोरी प्रिंट का कुर्ता निकाला और उसी वाइट चिकनकारी क्रॉप पैंट्स के साथ ही इसको पहन लिया। ये वाइट वॉच फिर से मैच हो गई और इयररिंग भी मैंने सेम ही रखे हैं, लेकिन टोट बैग मैंने चेंज कर लिया। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है और शिबोरी प्रिंट भी बहुत पसंद है। शिबोरी जैपनीज आर्ट है टाई एंड डाई का। मैं रिंग्स और बैंगल्स यूजुअली ऑफिस में नहीं पहनती थी क्योंकि कंप्यूटर पर काम करना होता था तो हाथ टेबल पर रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये क्रॉप पैंट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं और स्ट्रेचेबल हैं, सारे दिन पहने रहने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट बॉटम है। फिफ्थ आउटफिट इज ब्लैक शिबोरी कुर्ता एंड लेगिंग्स। गलत पैंट पहन लिया इसके साथ, इसको चेंज करते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता, तो आप भी ऐसा कॉम्बिनेशन ट्राई मत करना। इसको अगर हम थिक कपड़े की क्रॉप्ड लेगिंग्स के साथ पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। शिबोरी प्रिंट मुझे बहुत पसंद है और इस तरह की लेगिंग्स में मैं खुद को बहुत एक्टिव और मॉडर्न महसूस करती हूँ। ये हाई वेस्टेड है और मेरे बैली फैट को और लव हैंडल्स को अच्छे से एक्यूमुलेट कर लेती है, इसलिए इसमें बड़ा चुस्त दुरुस्त महसूस होता है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं बड़ी स्लिम हो गई हूँ। ब्लैक कलर तो वैसे भी इंस्टेंटली आपको स्लिम कर देता है, आप देखेंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि पहले मैंने जो रेड एंड वाइट शिबोरी पहना था और अब ये ब्लैक पहना है, इसमें मैं कंपैरेटिवली स्लिम लग रही हूँ। घड़ी चेंज करके मैंने ऑक्सीडाइज सिल्वर की घड़ी पहन ली बिकॉज वाइट डजंट गो विद इट। सिक्स्थ लुक इज ब्लैक ब्लॉक प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरीड कुर्ता एंड क्रॉप्ड लेगिंग्स। ये ब्लॉक प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको मैंने स्टिच करवाया था, लेकिन ये कॉमन नहीं है, कुछ अलग हटके है। जैसे कि इसका प्रिंट थोड़ा अलग हटके है और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी थोड़ी अलग हटके है। लेगिंग्स तो सेम ही है। इसके साथ मैं अजरक प्रिंट का स्लिंग बैग कैरी करना पसंद करती हूँ, मोस्टली जब सामान ज़्यादा नहीं ले जाना होता है, और अगर ये बैग मैच हो जाता है आउटफिट के साथ तो मैं इसको ले जाना पसंद करती हूँ। इस तरह के आउटफिट बहुत सेफ होते हैं, मतलब ये अच्छे ही लगने वाले हैं। फॉर सेवेंथ लुक आई हैव सिलेक्टेड अ थ्री पीस कुर्ता सेट। इस तरह के कुर्ता सेट मैं ज़रूर रखती हूँ अपने वार्डरोब में, ये वार्डरोब स्टेपल होते हैं। जब कभी मैं जल्दी में होती हूँ तो मिक्स एंड मैच करने का टाइम नहीं होता है, तो इनको उठाया जल्दी से और पहन लिया। बहुत अच्छे कॉटन के और बहुत अच्छे फिट के कुछ कुर्ता सेट जो दुपट्टे के साथ होते हैं, उनको आपको भी वार्डरोब में हमेशा रेडी रखना चाहिए, जिनको हम बिना सोचे समझे पहन सकें। मुझे भी ऐसे ही कपड़े जो कि सोबर भी हो और थोड़े से डिफरेंट हो वो ही पहनना पसंद। हाँ, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए। इस वाले सूट का भी जो प्रिंट है वो आप देखेंगे तो थोड़ा अलग हटके है, ऐसा कॉमन प्रिंट नहीं है। ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल हो जाता है, ऐसा कॉमन प्रिंट नहीं है। इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत कंफर्टेबल है, थोड़े पतले क्लॉथ का है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ ही इसकी चौड़ाई भी कम है जिससे कैरी करने में बहुत आराम रहता है। मैं ऑफिस के लिए कुछ वेस्टर्न वियर लुक भी शेयर करना चाहती हूँ और कुछ फ्यूजन वियर लुक भी क्रिएट करना चाहती हूँ, लेकिन तभी जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमको ऐसे लुक्स देखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।